हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच एस स्टडी पॉइंट वाई एस के आज हम बात करेंगे एम एस आई एस सी नाइनटीन एटी नाइन मीन्स स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989 के बारे में तो हजारडस जो केमिकल रूल्स जो 1989 के बाद जो बना है इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं तो यहाँ खास करके हमें ए, इस रूल में ये बताया गया है कि हजारस केमिकल का जब भी हैंडलिंग करते हैं या स्टोरेज करते हैं या मैनुफैक्चरिंग करते हैं तो उस समय किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए इसके रूल्स क्या हैं उसके बारे में आई डिटेल जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि एम एस आई एस सी नाइनटीन है क्या तो देखेंगे द मनु ए, इसका फुल फॉर्म आप जानते ही हैं मनुफैक्चर स्टोरेज इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989 आर रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है टू रेगुलेट हैंडलिंग ऑफ हजार्डस केमिकल हजार्डस केमिकल को हैंडलिंग को रेगुलेट करने के लिए को कंट्रोल करने के लिए इस रूल को बनाया गया है नाइनटीन को नेक्स्ट है आप देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है एम एस आई एस सी का पर्पस क्या है तो पर्पस क्या है द मैनुफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स एटी नाइनटीन आर सेट ऑफ अस्ट्रिक रूल्स एंड रेगुलेशन तो ये क्या है एक अस्ट्रिक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट है जो कि जब हम हजारस केमिकल को हैंडलिंग करते हैं खास करके इंडिया में तो वहाँ पे इसका अप्लाई किया जाता है और इसमें जिन जिन चीज़ों को लिखा गया है उनको फॉलो किया जाता है अब क्या है द रूल्स आर बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन तो ये जो रूल है वो है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सिक्स के ऊपर आधारित है उसको बेस लेके बनाया गया है नेक्स्ट चीज़ क्या है इसका टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एन्वायरमेंट फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विथ हजारडस केमिकल यानी कि जो हजारडस केमिकल के साथ जो रिस्क है उसे ह्यूमन हेल्थ को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है नेक्स्ट है टू इंश्योर द इंडस्ट्री अधय टू सेफ्टी स्टैंडर्ड तो इसमें ये इंश्योर करना है कि इंडस्ट्री जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है कि नहीं सेफ्टी प्रैक्टिस को फॉलो करता है कि नहीं और वो हजारस केमिकल को जब हैंडलिंग करता है तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है कि नहीं जो कि है जो कानून में बताया गया है इस रूल में बताया गया है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका की आस्पेक्ट क्या है एम एस आई एस सी नाइनटीन एटी नाइन का की आस्पेक्ट क्या है तो इसमें सबसे पहले जानना है कि डिफिनेशन ऑफ हजार्डस केमिकल हजार्डस केमिकल को डिफाइन कैसे किया गया तो इसमें देखेंगे द रूल डिफाइंस हजार्डस केमिकल और सबस्टांटेड डेट ए पोज ए रिस्क ऑफ हेल्थ तो इसमें क्या है ए हजार्ड को इस तरह से डिफाइन करता है इसमें जो केमिकल है जो सबस्टांस है वो हेल्थ को रिस्क देकर रिस्क टू हेल्थ हेल्थ को रिस्क है सेफ्टी को रिस्क है इन्वॉर्मेंट को रिस्क है अब इसमें द केमिकल इंक्लूडिंग केमिकल्स क्या क्या रहता है वो केमिकल जो हो सकता है टॉक्सिक हो सकता है कोरोसिव हो सकता है एक्सप्लोसिव हो सकता है या मे भी फ्लेमेबल भी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोनुफैक्चर एंड इम्पोर्टर अब यहाँ पे देखेंगे कि मोनुफैक्चर इम्पोर्टर का जो बना रहा है और जो इम्पोर्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सबिलिटी क्या है तो इसमें क्या है मैनुफैक्चरर स्टोरेज और इम्पोर्ट ऑफ केमिकल मस्ट कम्प्लाई विद द स्पेसिफिक सेफ्टी रूल तो ये है जो इसका जो सेफ्टी रूल बना हुआ उससे है जो कम्प्लाई करना इसका इम्पोर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड हैंडलिंग प्रोटोकॉल इसका हैंडलिंग करने का जो प्रोटोकॉल रूल जो रूल्स है उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है इसमें क्या क्या आता है तो ये प्रोटोकॉल किस तरह से है दिस इंक्लूड्स प्रॉपर लेबलिंग यानी कि केमिकल पे लेबलिंग होना चाहिए उसका सेफ्टी डाटा सीट जिसको एम भी बोलते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट या उसका सेफ्टी डाटा सीट होना चाहिए एंड रिस्क असेसमेंट उसका होना चाहिए चलिए नेक्स्ट जो है स्टोरेज गाइडलाइंस भी इसमें दिए गए हैं कि स्टोरेज कैसे करना है द रूल्स अस्टिपुलेट सेफ स्टोरेज प्रैक्टिस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ एक्सपोजर एक्सीडेंटल अगर रिलीज हो जाता है या केमिकल व एक्सपोज हो जाता है तो इसके रिस्क को मिनिमाइज किस तरह से करना है तो दिस इंक्लूड सेग्रीकेशन ऑफ इनकम्पेटेबल मटेरियल्स इनकम्पेटेबल केमिकल्स का मतलब होता है वैसा केमिकल जो एक दूसरे से मिल के काफ़ी हजार थिंग बना लेते हैं फ्लेमेबल हो सकता है एक्सप्लोसिव हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इनकम्पेटेबल जो मटेरियल उसको सेग्रीगेट करना है एक साथ नहीं रखने हैं इन 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 एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए स्टोरेज में वहाँ पे अगर सपोज कुछ लीक होता है तो वो वेंटिलेट हो जाए एंड कंटामिनेंट मेजर्स और वहाँ पे कंटामिनेंट कुछ नहीं हो उसको ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे से कंटामिनेंट नहीं होना चाहिए मतलब एक दूसरे से मिक्स नहीं होना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी मेजर एंड ट्रेनिंग तो सेफ्टी मेजर एंड ट्रेनिंग का मतलब है कि सेफ्टी मेजर किस तरह से लिया गया ट्रेनिंग क्या किया गया मतलब रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अप्रोप ट्रेनिंग टू वर्कमैन हैंडलिंग हजार्डस केमिकल वो हजारैन जो हजार्डस केमिकल को हैंडल करता है उसको अप्रोपियोर ट्रेनिंग एम्प्लायर के देने की जिम्मेदारी है और ए इंश्योर करेगा इंश्योरिंग दे आर अवेयर ऑफ द रिस्क एंड द नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन इंश्योर करना है कि ट्रेनिंग देने के बाद वो जो वर्कर है वो है जो केमिकल को हैंडलिंग करने में उसके पूरी नॉलेज है कि नहीं इसमें क्या रिस्क है और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए नेक्स्ट देखेंगे इमरजेंसी प्रीपेडनेस में है कंपनी मस्ट हैव इमरजेंसी रिस्पांस प्लान इन प्लेस यानी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान उसका बना हुआ होना चाहिए इंक्लूडिंग क्या क्या उसमें प्रोसीजर में होना चाहिए स्पिल रिस्पांस जब स्पिल हो जाता है केमिकल तो उसके इसमें क्या करना चाहिए वे क्वेश्चन किस तरह से करना है और अगर कोई इससे एक्सपोज हो जाता है तो जो फर्स्ट एड है जो किस तरह से देना है नेक्स्ट so, देखेंगे रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस इसका क्या एस्पेक्ट में है रेगुलर रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज मैंडेटरी यानी मैंडेट तो कुछ भी अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो रेगुलर रिपोर्टिंग है जो रेगुलेटरी जो इसको कंट्रोल करता है उस अथॉरिटी को देना जरूरी है इंक्लूडिंग क्या क्या करना है इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग हजार्डस केमिकल यानी हजार्डस केमिकल को हैंडलिंग करने में अगर कोई इंसिडेंट होता है उसके बारे में जानकारी देना है एंड कंपनी मस्ट ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ दिस सब्सटेंस और कंपनी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की केमिकल को अगर वो सब्सटेंस को अगर हैंडल करता है तो उसका रिपोर्ट भी उसके पास होना चाहिए वो किस तरह से हैंडल किया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को अगर देखेंगे तो इन्वामेंटल प्रोटेक्शन का मतलब हुआ द रूल्स इम्पिफाइज मिनिमाइजिंग इन्वामेंटल इम्पैक्ट थ्रू प्रॉपर डिस्पोजल मेथड एंड स्पिल मैनेजमेंट तो यहाँ पर यह ध्यान देखना है कि इसका डिस्पोजल इस तरह से करे या स्पिल मैनेजमेंट इस तरह से करे कि इन्वायरमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े चले नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लायर ड्यूटी अंडर रेगुलेशन ऑफ हजार्डस केमिकल तो इम्प्लायर की ड्यूटी क्या है हजार्डस केमिकल को जब कर रहा है वो

ट्रांसपोर्ट करना हैंडल करना जो भी है केमिकल शुड नॉट बी यूज अनलेट दिस इंफॉर्मेशन इज ऑबलेट तो कोई भी केमिकल का तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक इसके बारे में फुल्ली इंफॉर्मेशन फुल्ली नॉलेज नहीं हो मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है क्या क्या, क्या इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं तो इसकी जानकारी होनी चाहिए नेक्स्ट है <coughs> मेंटेन ए रिकॉर्ड हजार्डस केमिकल जो केमिकल है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है ताकि पता चले कि हम कौन सा केमिकल को हैंडल करने जा रहे हैं वो कितना है तो भी भी केमिकल का स्टोरेज करना हो हैंडलिंग करना हो या ट्रांसपोर्टेशन ट्रांस्पोर्ट, करना हो तो उस केस में उसका रिस्क असेसमेंट बनाना जरूरी है प्रोटेक्ट वर्कर अगेंस्ट रिस्क आइडेंटिफाई एंडसमेंट तो वर्कर को प्रोटेक्ट करना है, करना है ताकि हम वर्करों को, को, को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो है कम्प्लाई विथ अप्रोप्रियट स्टैंडर्ड कोड्स एंड गाइडलाइन इन दूस ऑफ केमिकल तो केमिकल को जो यूज करने के लिए जो अप्रोप्रोट जो स्टैंडर्ड बनाए गए उसको कम्प्लाई करना है कोर्ट्स जो बनाए गए हैं उसको फुल्ली कंप्लाई करना है या गाइडलाइंस जो दे देगी हैं उसको फुल्ली कंप्लाई करना है नेक्स्ट देखेंगे मोनिटर लेवल ऑफ एक्सपोजर तो एक्सपोजर कितना उसका मोनिटर करना जरूरी है कोई भी केमिकल एरिया में काम कर रहे हैं कुछ भी है <coughs> या हैंडलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे देखना है मोनिटर द लेवल एक्सपोजर यानी एक्सपोजर का लेवल क्या है उसका मोनिटर करते रहना जरूरी कंपलसरी है मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू डील विद द एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट यहाँ पे है जो कि कोई भी एक्सीडेंट होता, होता है या इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे हमें एडुकेट अरेंजमेंट होना चाहिए कि हम तुरंत एक्शन ले सकें इसकी जानकारी इसकी नॉलेज इसकी ट्रेनिंग उसको होनी चाहिए प्रोवाइड वर्कर विथ अप्रोप्रिएट एंड पीरियोडिक इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग और वर्करों को क्या है टाइम टू टाइम पीरियोडिक इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग देते रहना चाहिए ताकि उससे वो अवेयर हो और अपने आप को बचा सकता अब यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल के यूज में बर्करों की ड्यूटी क्या होती है उसके बारे में भी जानना जरूरी है तो बर्करों की ड्यूटी क्या होगी एलिमिनेट और मिनिमाइज द रिस्क रिस्क को या तो एलिमिनेट कर दे या मिनिमाइज करें मतलब कम करें दूसरा है रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मेक द द्रेंड मतलब वो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड जो केमिकल हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जानकारी होनी चाहिए और उनको ट्रेंड बनाने की कोशिश करना चाहिए यानी वो ट्रेंड हो इस तरह को उनको ट्रेंड करना चाहिए टेक केयर ऑफ देयर ऑन हेल्थ एंड अदर तो इसमें ये भी ध्यान देना है कि अपने हेल्थ को तो बचाना ही है साथ में दूसरे को हेल्थ को भी बचाना है नेक्स्ट प्रॉपर यूज ऑफ ऑल प्रोवाइडेड पीपी जितने भी पीपी उसके दिए गए उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए रिपोर्ट तो सुपरवाइजर इफ एनी सिचुएशन भी हैज पोटेंशियल टू रिस्क अगर है जो कोई ऐसा सिचुएशन दिख रहा है जो रिस्क है उसका पोटेंशियल पे रिस्क है तो है जो अपने सुपरवाइजर को उसको रिपोर्ट करना है नेक्स्ट देखेंगे पार्टिसिपेट इन हेल्थ सर्विलेंस प्रोग्राम अगर हेल्थ सर्विलेंस प्रोग्राम हो रहा है मतलब मेडिकल चेकअप हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है चेक करवाना जरूरी है अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजर सबस्टांस अगर हम करते हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ की जरूरत होता है जैसे की सेफ्टी प्रिंसिपल इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ टैंकर एंड टैंक कंटेनर तो जब हम टैंकर से मटेरियल को लोड अनलोड करते हैं तो उस केस में क्या चीज़ क्या क्या चीज़ का होना जरूरी है तो इसमें देखेंगे सबसे पहले उसके जो ऑपरेटर है यानी कि जो उस टैंकर को हैंडल करता है उसके पास ट्रेम कार्ड होना चाहिए मतलब ट्रेम मतलब होता है ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड नेक्स्ट है रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए है, हैंडलिंग का किस तरह से हैंडल करना तो उसका रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए और साथ में उस ऑपरेटर को उसके बारे में फुल्ली जानकारी होनी चाहिए उस प्रोसीजर के बारे में उस गाड़ी में फायर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि अगर छोटे मोटे आग लग जाते हैं तो इमीडिएट एक्शन लिया जा सके और नेक्स्ट है नो अदर सोर्स ऑफ इग्निशन वहाँ पे दूसरे सोर्स का कोई इग्निशन सोर्स नहीं होना चाहिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं द प्रोपर मार्किंग एंड सुटेबल कंटेनर्स तो यहाँ पे देखेंगे इसमें मार्किंग करने के पीछे केमिकल का जो भी आ, बोतल्स रहते हैं या डब्बे रहते हैं उस पर लेबलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉपर मार्किंग का क्या इंपॉर्टेंस उसके बारे में देखेंगे यहाँ क्या है नेवर यूज़ ए कंटेनर इन व्हिच देयर वाज एनी मटेरियल बिफोर वैसे कंटेनर का इस्तेमाल कभी ना करें जिसमें पहले से ही कोई मटेरियल पड़ा हुआ हो आप देखना है कि अगर इफ द कंटेनर मस्ट बी यू लेकिन उस कंटेनर को यूज करना जरूरी है जो पहले से पड़ा हुआ है तो इट शुड बी क्लीन राइटली एंड सर्टिफाइड ए से तो उसको अच्छे से पहले क्लीन करना है ये इंश्योर करना है कि नाउ ये सेफ यूज करने के लिए सेफ है नेक्स्ट देखेंगे इफ द कंटेनर इज कंटामिनेटेड एनी मटेरियल अगर कंटेनर किसी कंटा, कोई मटेरियल से कंटामिनेट है मतलब पहले ही दूषित है तो इन एंड दिस में रिएक्ट विथ न्यू मटेरियल दैट इज पोर और इसमें अगर कोई देशों मटेरियल को पोर करते हैं तो उसके कारण उसमें रिएक्शन हो सकता है और रिएक्शन इतना होता है कि देर में वे वायलेंट रिएक्शन मैंने काफी तेजी के साथ रिएक्शन होगा एंड रिलीज ऑफ गैसेज डैट में भी टॉक्स गैस उससे रिलीज हो सकता है जो कि टॉक्सिक भी हो सकता है और कोरोसिव भी हो सकता है इसीलिए जो पहले से रखे हुए कंटेनर है उसमें किसी दूसरे मटेरियल को डालने के पहले उस कंटेनर को क्लीन करना जरूरी है क्योंकि अगर इनकम्पेटेबल मटेरियल का अगर कंटेनर है उसमें हमने डाल दिया तो वायलेंट रिएक्शन करेगा और वायलेंट रिएक्शन करके काफ़ी गैस रिलीज होगा जिसके कारण टॉक्स या कुछ भी गैसेस हो सकती है चलिए नेक्स्ट देखते हैं Suitable storage of toxic and corrosive substance. अब corrosive और को कैसे करें? तो सबसे पहले वहां पे जहां करते हैं suitable signage होना चाहिए, इड पर्सन ओनली ऑथोराइज पर्सन के लिए एक्सेस देना है सुटेबुल सिक्योरिटी मेजरिटी मेजर इस तरह का हो कि दूसरे जो आदमी है वहां नहीं जाए डिजिग्नेटेड स्टोरेज अरेंजमेंट वहाँ पे डिजिग्नेटेड स्टोरेज अरेंजमेंट हो मतलब हर एक चीज को रखने का एक अलग अलग जगह हो उसको वहीं पे प्लेस करना है सुटेबली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड सेल्विंग एंड रैकिंग तो उसका रखने के लिए सेल्फ होना चाहिए रैक होना चाहिए सुटेबल होना चाहिए और डिजाइन होना चाहिए अच्छे से कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए मार्क बाकवे बाकवे पे मार्क किया होना चाहिए कि किधर से जाना है क्लियरली डिजाइग्नेटेड इमरजेंसी एक्सिट वन फॉर एंट्रेंस एंड अनदर फॉर एक्स ये देखना जरूरी है वहां पे इमरजेंसी एग्जिस्ट है जो एक है जो जाने के लिए एक आने के लिए इस तरह से डिजाइन होना चाहिए गुड काफी अच्छा होना चाहिए गुड वेंटिलेशन यानी वेंटिलेशन इस तरह का होना चाहिए नेचुरल वेंटिलेशन देखिए जैसे कि यहाँ पे है यहाँ पे भी नेचुरल वेंटिलेशन अगर कुछ होता है तो आउटसाइड एटमोस्फेयर में चला जाएगा यहाँ पे देखिए ओपन है बाहर चला जाएगा वहाँ भी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इनकम्पेटेबल मटेरियल स्टोर सेपरेट की यानी कि इनकॉम्पेटेबल मटेरियल है जो सेपरेट रखना चाहिए इनकम्पेटेबल मटेरियल का मतलब है जो एक दूसरे से रिएक्शन करके काफ़ी टॉक्सिक गैसेज या फ्लेमेबल गैसेज या क्रोसिव गैसेज या केमिकल्स बना सकते हैं उसे मटेरियल को एक साथ नहीं रखना है केयरफुली हैंडल कीप क्लोज एंड लेवल तो केयरफुली हैंडल करना है उसके बाद इसको क्लोज करके रखना है यानी इस पर लेबल लगा के यानी मार्किंग करके रखना है लेबल लगाना है ऑल एक्सपोज मेटल पेंटेड एंड चेक फॉर बेकनिंग बाय द कोरोजन तो ये ध्यान देना है मेटल जितने भी है जो पेंटेड है वो उसमें कोरोजन लग सकता है जिसके कारण वीक हो सकता है तो उस पर नजर रखने की जरूरत है क्रोसी मटेरियल शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम मटेरियल्स व्हिच कैन प्रोड्यूस हाईली टॉक्सिक तो यहाँ पे जो है क्रोसी मटेरियल जो है वो उसको कोरोसिव मटेरियल का मतलब वो किसी भी मेटल को खराब करेगा तो उसको क्या करना आइसोलेट करके रखना है और वो कॉरेसिव करेगा साथ में क्या करेगा उसके साथ रिएक्शन करके हाईली टॉक्सिक फ्यूम्स बनाएगा इसलिए ऐसे मटेरियल को आइसोलेट करके रखना है टू तो हैंडल स्ट्रोंग एसिड एंड अल्कली ग्लव्स एप्रॉन एंड गूगल पहनना है जब भी कोई हैंडल कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को या अल्कलीज को तो वहाँ पे ग्लव्स एप्रॉन्स एंड गूगल्स को पहनना जरूरी है इलेक्ट्रिक अपराटस जो यूज कर रहे हैं शुड बी एक्सप्लोजन प्रूफ वो एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट लेबलिंग में भी और भी चीज़ें हैं पर्पस ऑफ लेबलिंग एंड मार्किंग बेनिफिट आइडेंटिफाई द केमिकल इसका पर्पस क्या होता है इससे केमिकल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि उस पर लेवल और मार्किंग रहेगा तो ईजली आइडेंटिफाई नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द सप्लायर इसके कारण हम सप्लाई का है जो इजली uh, है जो उसका नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं या टेलीफोन नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिफाई हजार सिंबल्स उसमें हज़ार सिंबल क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद द केमिकल केमिकल के साथ क्या क्या है जो स्पेशल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉन सेफ्टी प्रिकॉशन उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है उसकी जानकारी हमें मिल सकती है अब देखेंगे यूजिंग हजार्डस हजार आय गैस कौन कौन सा केमिकल को हम यूज करते हैं जो आयल एंड गैस इंडस्ट्री में खास करके इसके कुछ लिस्ट हैं जो छोटा सा वो लिस्ट आपको बता रहे हैं पहला पेंट एंड सोलबेंट क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है आयल एंड गैस इंडस्ट्री में कोरेसिव एंड इरीटेंट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है जन इन्हीबिटेटर का इस्तेमाल किया जाता है स्लाजे ड्रिलिंग बेस्ट ये जो हम आयल जैसे कि ओ गैस वगैरह में क्या होता है जब अंदर से हम गैस को निकालते हैं तो वहाँ से एक्सप्लोरेशन होता है उसके थ्रू है जो स्लाजेज या ड्रिलिंग बेस्ट आता है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है तो ये भी क्या है एक एल गैस में है जो इसका एक एक खतरनाक हजारस केमिकल के रूप में नाम जाना जाता है इसका एंड सिली सिलीशियस डस्ट सिलस डस्ट मीनस सिल्क कंटेनमेंट एंड इन्फेक्टेड डस्ट होता है ये भी डस्ट काफ़ी इन्फेक्टेड होता है जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है तो ये सारे चीज़ है जो आयल एंड गैस इंडस्ट्री में हजारस केमिकल के रूप में जाने जाते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम